ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर प्रूकार ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं,